12 नवंबर 2021 रशिया ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन कंडक्ट किया। इसका टारगेट था स्पेस में मौजूद अपनी ही एक इनएक्टिव सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना। इस मिशन से रशिया ने यह साबित कर दिया कि उसके पास ऐसी मिसाइल हैं जो अर्थ से स्पेस में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। बट ये करना एक कंट्री के पावरफुल होने का तो सबूत जरूर देता है, पर इस बीच स्पेस का क्या? ये जो हजारों पार्टिकल्स और मेटल्स के टुकड़े जो स्पेस के ऑर्बिट में लगातार रोटेट कर रहे हैं, उनका क्या होगा? ये पार्टिकल्स उसी वेलोसिटी से अर्थ का चक्कर लगाएगा जितनी वेलोसिटी उस ऑर्बिट की है। यानी इस डेब्री के किसी भी एक छोटे से टुकड़े से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टकराता है तो ये टुकड़ा उस ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। इस डेब्री से एक्टिव सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन में काम कर रहे साइंटिस्ट की जान को भी खतरा है, और ये खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जब भी हम स्पेस मिशन को लॉन्च करते हैं तो उस मिशन से जुड़े कुछ पार्ट्स अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं, साथ ही स्पेस स्टेशन के वेस्ट सामान और यहाँ तक कि एक नट बोल्ट भी स्पेस डेब्री का पार्ट है। ये स्पेस डेब्री आने वाले टाइम में ह्यूमन स्पेस मिशन को भी इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि हाल ही के डाटा के अनुसार स्पेस ऑर्बिट में 1 सेंटीमीटर से छोटे लगभग 128 मिलियन से अधिक टुकड़े फ्लोट कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में एक मेजर प्रॉब्लम को खड़ी कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी स्पेस डेब्री के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि स्पेस डेब्री क्या है, इसे हमारी लाइफ कैसे इफेक्ट होगी और हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। सो लेट्स जंप इन। स्पेस जंग के नाम से जाना जाने वाला ये मलबा स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट के वे टुकड़े होते हैं जो इस्तेमाल किए जाने के बाद अर्थ ऑर्बिट में ही छोड़ दिए जाते हैं। ये मिशन से जुड़ा वो कचरा है जो मूल काम के बाद पीछे छूट जाता है। नासा का अनुमान है कि रोजाना करीब एक मलबा या तो पृथ्वी पर गिरता है या फिर पृथ्वी के वातावरण में आते ही जलकर नष्ट हो जाता है। हालांकि अर्थ पर 70% से अधिक हिस्से पर पानी है, इसीलिए ज्यादातर कचरा भी इसी क्षेत्र में आकर गिरता है। अर्थ की ऑर्बिट में ये मलबा अर्थ के चारों ओर बहुत तेज रफ्तार से चक्कर काट रहा होता है, खासकर लो अर्थ ऑर्बिट में 25,265 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काट रहे ये टुकड़े अन्य सैटेलाइट से टकराकर भी भारी नुकसान करते हैं। वर्तमान में स्पेस में करीब 700 टन से अधिक कचरा घूम रहा है। इसके घूमने की स्पीड इसके ऑर्बिट पर भी डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए आप स्पेस स्टेशन को ले लीजिए। ये स्पेस स्टेशन अर्थ का एक चक्कर 90 मिनट में पूरा कर लेता है, मतलब इसकी ऑर्बिटल स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर इसी ऑर्बिट में अगर एक पेच का टुकड़ा या कोई अन्य 1 सेंटीमीटर का कोई भी टुकड़ा मौजूद हो तो वे भी उसी स्पीड से गति करेगा जिस स्पीड से स्पेस स्टेशन गति कर रहा है। मतलब वे पेच का टुकड़ा भी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस ऑर्बिट में गति करेगा। इस स्पीड पर अगर कोई भी चीज उसके सामने आती है तो वे उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। दोस्तों, ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये टुकड़े किसी भी सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन या स्पेस वॉक कर रहे अंतरिक्ष यात्री को भी चीरता हुआ निकल सकता है, इसीलिए ये हमारे लिए इतना खतरनाक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑर्बिट में स्थापित किया गया हर एक सैटेलाइट स्पेस जंग का पार्ट बन सकता है। यानी जिस तादाद में सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट स्पेस में भेजे जा रहे हैं उससे तय है कि स्पेस जंग फ्यूचर में बढ़ेगा ही। इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और वन वेव सैटेलाइट जैसी कंपनियां बड़ी संख्या में सैटेलाइट को स्थापित कर रही हैं, जो फ्यूचर में स्पेस प्रोग्राम के लिए बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है। स्पेस में ये सैटेलाइट आपस में टकराते हैं और इस टकराव के कारण सैटेलाइट के छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, और ये नए टुकड़े फिर किसी अन्य सैटेलाइट से टकराते हैं और स्पेस में इन टुकड़ों की संख्या बढ़ती जाती है। इसी अवस्था को केसलर सिंड्रोम कहते हैं। स्पेस सेफ्टी प्रोग्राम के प्रमुख हॉलगर क्रॉक कहते हैं कि अगर ये मलबा इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन अंतरिक्ष काम करने लायक जगह नहीं रहेगी। इस मलबे का सबसे ज्यादा असर उन सैटेलाइट्स पर होगा जो 1000 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्कर काट रही हैं। इस हाइट पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। नासा के मुताबिक जो कचरा अर्थ के 600 किलोमीटर ऊंचाई पर होगा वे कुछ सालों में अर्थ पर गिर जाता है, लेकिन जो टुकड़े 1000 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर हैं वे कई सदियों तक आसमान में चक्कर काटते रहते हैं। अगर हम स्पेस डेब्री की सफाई करना चाहते हैं तो उस कचरे को हटाना होगा जो 1000 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि यदि सैटेलाइट और रॉकेटों से होने वाले अंतरिक्ष के कचरे को पृथ्वी की कक्षा से साफ नहीं किया गया तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता ही जाएगा। इससे सैटेलाइट ऑपरेटरों को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही मोबाइल और GPS नेटवर्क भी ठप पड़ सकता है। दरअसल जब इन सैटेलाइट का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद भी कॉस्मिक वेग के कारण ये सैटेलाइट अपनी उसी कक्षा में चक्कर लगाती रहती है, लेकिन वायुमंडलीय कर्षण बल यानी
ब्लैक फोर्स के कारण इनकी गति में धीरे धीरे कमी आने लगती है और नतीजा ये होता है कि ये सैटेलाइट सर्पिलाकार पथ पर परिक्रमा करता हुआ अर्थ की ओर गिरने लगता है। जब ये सैटेलाइट वायुमंडल के डेंस पार्ट में प्रवेश करता है तो वायुमंडलीय घर्षण बल के कारण अधिक ताप की उत्पत्ति होती है और धातु के इन टुकड़ों में पृथ्वी पर गिरने से पहले ही आग लग जाती है और अंततः ये एक राख के रूप में बदल कर पृथ्वी की ओर गिरते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पिंड बड़ा होने के चलते पूरा नहीं जल पाता है और ये पिंड या सैटेलाइट्स के ये अधजले टुकड़े अर्थ पर रहने वाले लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। इसका एक उदाहरण है अमेरिकी स्पेस स्टेशन स्काई लैब। ये अमेरिका द्वारा भेजा गया पहला स्पेस स्टेशन था जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहले भेजा गया था। इसके कुछ अवशेष 1979 में हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आकर गिरे थे। हालांकि लकीली उस समय कोई हादसा नहीं हुआ। ऐसे ही सोवियत संघ का मीर स्पेस स्टेशन न्यूजीलैंड और चिली के बीच प्रशांत महासागर में अपना जीवन काल पूरा करने के बाद पृथ्वी पर आ गिरा था। हाल ही में अंतरिक्ष में फैले रॉकेटों और सैटेलाइट के टुकड़ों को हटाने के लिए चीन ने रिमूव डिब्री नाम के स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया है और यह सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया। ये अंतरिक्ष में मौजूद कचरे को कम करने वाली टेक्नोलॉजी के परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसी कड़ी में जापान ने स्पेस का कचरा कम करने के लिए लकड़ी की सैटेलाइट बनाने पर काम कर रहा है जिससे पोल्यूशन कम से कम हो। भारत के श्रीहरिकोटा के पास मल्टी ऑब्जेक्टिंग ट्रैकिंग रडार है जिससे अंतरिक्ष के कचरे की ट्रैकिंग होती है। वहीं अमेरिका के पास भी ऐसे कई रडार मौजूद हैं। इस कचरे को इकट्ठा करने के लिए भी कई प्रयोग हुए हैं जिसके तहत इसे धरती के एटमॉस्फेयर में लाकर जलाने जैसे प्रयोग किए गए हैं। लेकिन ये कितने कारगर हैं और इन पर कितना खर्च आएगा और इस पर अभी तक कितना काम हुआ है इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आगे चलकर स्पेस डेब्री की समस्या और कितनी बड़ी हो सकती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।